अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म की अमीर कतर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ईद के पुरमसरत मौके पर कतर के शेख एम बिन मोहम्मद अल सानी से टेलीफोन पर राबता किया। वज़ीर आज़म ने हुकूमत और आवाम की जानिब से अमीर हुकूमत कतर और आवाम को तहे दिल से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। फहद बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर को ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद दी है, उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू में मुबारकबाद देने के अलावा दोनों रहनुमाओं ने फलस्तीन के बहादुर और मजलूम आवाम की हालत इज़हार पर भी तबादला ख्याल किया और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो फलस्तीन के हवाले से अमन की बहाली की कोशिशों को बढ़ाए और खित्ते में तशद्दुद और खूनरेजी का फौरी खात्मा यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म और अमीर कतर ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने का इरादा किया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका इकदार और बाहिमी एहतराम पर मबनी हैं। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया और मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। जी जी ठीक है फहद चौधरी, सवाल से आप आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।